सेंटर परेशा खा क्या है नोरा थोड़ा पुढ़े जा आणखी पुढ़े जा पुन्हा चली जाएगी वो अच्छा नहीं बेटा टेंशन मत ना हाँ इतना जोर से मात्र आए अभी बाहर आ रहा है या सीधे सही से ये सब राजा भाई मेरा चलता है सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे सारे दोस्त हैं और मैं गोवा में रहती हूँ और मैं यहाँ वापस आई हूँ और सबको मिलने वाली हूँ आज और सबसे ज़्यादा तो हम लोग इसीलिए एक्साइटेड हैं क्योंकि हमें पता नहीं कौन विनर है तो कौन विनर होने वाला है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है मेरे दिमाग में सोचा ये दिव्यांका होगी या अर्जुन होगा या कौन होगा एंड आई एम श्योर एवरीबॉडी इज़ वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी कि हु इज़ गोना विन जी मुझे नहीं कितने याद आएंगे अरे जिंदगी भर याद आएंगे क्योंकि जिंदगी में कभी ऐसे यू नो स्टंट जिंदगी में किया नहीं है सांप के बीच इलेक्ट्रिक शॉक बर्ड्स जो मेरा फोबिया है तो आई एम गोना रिमेंबर दिस जर्नी बिकॉज इट्स नॉट समथिंग जो हम रेगुलर हम लोग एक्टर्स हैं हम स्टंट पीपल नहीं हैं तो वो लोग ये स्टंट्स जो प्रोफेशनल लोग करते हैं हम लोगों ने वो स्टंट्स किए हैं सो आई एम गोना डेफिनेटली रिमेंबर फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ क्या लगता है हु विल विन आई डोंट नो टू बी ऑनेस्ट आई रियली डोंट नो दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आई वांट बोथ ऑफ देम टू विन बट दैट्स नॉट पॉसिबल ऑब्वियसली नॉट बट दिव्यांका मेरी दोस्त है अर्जुन भी मेरे दोस्त है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से पर मैं जैसे कि आपने कहा यू नो आप गोवा में रहती हैं और मुश्किल हो पाती है लेकिन बहुत अच्छा रिलेशनशिप हमने देखा घर के शो में हम आप लोगों का बन गया हाँ, है साफ जाहिर इसलिए रिलेशनशिप अच्छा लड़की और लड़कों का होता है क्योंकि हम लोग साथ में रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक जब हम होटल में भी थे तो एक ही कॉरिडोर में हम लोग रहते थे तो आमने सामने दरवाजे होते हैं साथ में खाना बैठना मस्ती करना और ज़िंदगी में जब ऐसे सिचुएशंस होते हैं ना जब आप इंसान बहुत ज़्यादा डर जाता है और किसी के साथ जब आप शेयर करते हो तो कोई ना कोई जो साथ में होता है आपका हाथ पकड़ता है यू विल रिमेंबर दैट फीलिंग और अगर आप स्टंट कर रहे हो और आपको डर लग रहा है और मैं देख रही हूँ ऑब्वियसली आई विल ऑल्सो यू नो इंकरेज यू तो उसमें जो एक दोस्ती होती है वो बहुत अच्छी दोस्ती बन जाती है लोगों के बीच में एंड ऑब्वियसली सुबह से लेकर शाम तक सेट पर रहना एक ही मेकअप बैन में रहना हम सबको पता है कि शूटिंग के टाइम पे कितना टाइम लगता है सेटिंग के लिए तो उसके दरमियान हम लोग काफ़ी एक खेलते थे हंसी मजाक गाना गाना आई एम श्योर यू सॉ ऑन इंस्टाग्राम एंड आवर स्टोरीज पे हम लोग छापते ही रहते थे इसी के साथ रोहित सर के साथ भी काफ़ी फ्लर्टियस नेचर रहा है आप नहीं 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 वो तो मुझे बहन मानते हैं मेरा प्यार अधूरा रह गया नहीं नहीं वो बहुत स्वीट है और मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ ये सिर्फ एक छोटा सा हंसी मजाक था बट नो ही इज़ वेरी प्रोफेशनल और दूर से ही वो अच्छे और प्यारे लगते हैं अच्छा मैं दिव्या जीती हैं बिग बॉस OTT कितनी वेल डिजर्विंग लगी आपको मुझे वो बहुत अच्छा उनका जो एक जर्नी रहा है पूरे शो में वो अकेली ज़्यादातर अकेली ही खेलती रही हैं और बिग बॉस मैंने भी किया हुआ है और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता था कि मैं हमेशा अकेली रहती थी हर हफ्ते मुझे वोट आउट करते थे तो एक अकेला जो अकेले इंसान की जो जर्नी होती सब लोगों के साथ उनके पार्टनर्स थे तो ज़्यादातर उसकी नहीं थी आई थिंक शी इज़ अ वेरी डिजर्विंग कंटेस्टेंट एंड शी वर्क वेरी हार्ड एंड स्ट्रगल्ड ऑल्सो क्वाइट अ लॉट ड्यूरिंग द होल जर्नी सो डेफिनेटली पर निशु इज़ ऑल्सो माई फ्रेंड तो एंड आई थिंक ऑल्सो शामिता आई ऑल्सो नो शामिता शी ऑल्सो डिड अ वेरी 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 गुड जॉब 15 आने वाला है सीजन बिग बॉस की अगर बात करें आपने बोला आप भी एक हिस्सा रह चुकी हैं दोबारा जाने का मौका मिला तो नजर आ सकती हैं मैं दो बार ऑलरेडी जा चुकी हूँ एक बार जब फराह खान जी ने जो होस्ट किया था अल्लाह बोल पे और एक बार बिग बॉस सीजन 5 पर हाँ एज अ गेस्ट यू नो जस्ट गो एंड मीट एवरीबॉडी उस घर के अंदर जाना देयर इज अ लॉट ऑफ मेमोरीज एंड माई जर्नी ऑल्सो और जब मेरी मतलब यू नो पॉपुलैरिटी और करियर जो उठा भी था वो बिग बॉस की वजह से ही उठा था सो आई ऑलवेज विल हैव अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद द चैनल एंड ऑब्वियसली द शो थैंक यू थैंक यू